गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तो मैं भी मस्त हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है कंडे का। तो क्योंकि मैं आज आ गई हूँ कंडे, मैं आप लोग को दिखाऊँगी अपना कंडे और क्या क्या काम करते हैं और क्यों आई हूँ मैं कंडे, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। यहाँ का लोकेशन दिखाना चाहती हूँ, तो चलो दिखाती हूँ मैं लोकेशन। कंडे और मेरे साथ आया है राणा। मैं अपने साथ राणा को भी लेके आई हूँ क्योंकि थोड़ा काम था मुझे। राणा और गुड़िया भी आए मेरे साथ। तो थोड़ा सा काम था मुझे आज कंडे में, तो मैं बाद में बताऊँगी क्या काम है। साथ में मम्मी भी और मेरे भाई तो वैसे ही पहले कंडे में है क्योंकि कल सुबह आए थे वो कंडे, तो कल रात घर नहीं आए। तो चलो ले चलती हूँ। और ये यहाँ का तो आप लोग को दिखाऊँगी मैं अपना कंडे। तो ये काफ़ी हाइट पर है मुझे मेरे गाँव से, अगर पैदल चल के आए तो 2 घंटे लगते हैं, मतलब मुझे 2 घंटे लगते हैं। कुछ लोगों को 1.5 घंटा 1 घंटा भी लग सकता है जो जल्दी चलते हैं, पर मैं चलने नहीं सकती हूँ तो इसलिए मुझे 2 घंटे लगते हैं। पर मैं आज आई हूँ गाड़ी में, या नीचे तक आई थी गाड़ी में, तो वहाँ से ऊपर पैदल आ रही हूँ। पहले तो यहाँ पे पैदल ही चल के आना पड़ता था क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आती थी। अब दो तीन साल हो रहे हैं रोड खुल गया है, अब हम आते हैं गाड़ी में। पर गाड़ी होनी चाहिए पिकअप, 4x4 की गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ नहीं चलती है, तो 4x4 की गाड़ियाँ चलती है तो उसमें आना पड़ता है। तो कभी कभी हमारे को लिफ्ट मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है, तो ऐसे ऐसे। बाकी मेरे पीछे का लोकेशन देखो कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा स्पेशल, थोड़ा अच्छा मेरे हिसाब से, बाकी वो आप लोग ने डिसाइड कर लेना कैसा है। तो क्योंकि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, इन सुंदर सुंदर वादियों से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब के बीच में आके। तो मेरे हिसाब से कोशिश कर, मुझे लग रहा है कि अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा लास्ट तक। बाकी तो चलो, बाकी क्या ही बोलूँ अब आप लोगों को। तो जिस रोड की बात करी थी वो ये वाला रोड है, ये देखो। तो आप लोग रोड की हालत देख के सोच ही सकते हो कि मतलब कि कैसी गाड़ी आ रही होगी इसमें। अभी फ़िलहाल कच्चा रोड है यहाँ पे, अभी निकले हुए 2-3 साल ही हो रहे ज़्यादा। ये जो रोड है, ये इस रोड का निकलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक रोड नहीं था तो कंडे से जितने भी सामान हमारे को ले जाना होता था घर के लिए, घास अनाज जो भी होता है, तो हमारे को अपने पीठ में लगा के उठा उठा के ले जाना पड़ता था। तो इस रोड की वजह से बहुत ज़्यादा सहूलियत है। तो हम जो भी सामान होता है, अनाज वगैरह होता है, हम गाड़ी बना के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं तो सीधे घर पहुंच जाता है, एक ही दिन में घर पहुंच जाता है। नहीं तो लेबर करो या फिर खुद बहुत दिन तक ढोते रहो, ऐसा करके प्रॉब्लम्स की पहले। तो अब हमारी रोड के निकलने से ये सारी प्रॉब्लम बहुत मतलब सॉल्व हो गई है। शुरू होता है मेरा कंडे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा कंडे। यहाँ से परे है मेरा कंडे, मैं दिखाती हूँ। ये मेरा कंडे है, यहाँ से आगे जाके ये रास्ता है, यहाँ से वैसे रास्ता तो उस साइड से है दीवार के साइड से, तो मैं अभी यहाँ से आ रही हूँ शॉर्टकट। ये वैसे किसी और का खेत है, यहाँ पे मम्मी ने शायद भूख लगाया हुआ बंद करके रखा है, गाय बड़ी गुस्सा थी इसलिए। अपा
तो ये वैसे ये रास्ता नहीं है जहाँ से मैं जा रही हूँ, ये मेरे एक भैया है खुंगी गाँव के, तो उन भैया का खेत है ये। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि बंजर रखा है उन्होंने, बीजा नहीं है। और ये सामने जो डोगरी दिख रहा है ये मेरे भैया का है, ये मेरे ताऊ जी का है, ताऊ जी मतलब ताऊ जी तो है नहीं अब, ताऊ जी के बेटे मेरे भैया का, बड़े भैया का है ये देखो। और ये वाला खेत भी उन्हीं का है, बीजा हुआ अभी, ये बड़ा वाला खेत भी उन्हीं का है। और वो आगे जाके मेरा डोगरी और पुराना वाला डोगरी भी दिख रहा है हमारा, जो पहले हमारा एक साथ होता था, ताऊ जी बकरी और हमारा। मैं सामने जाके दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ये है हमारा पुराना डोगरी, मैं दिखाती हूँ। और ये परेसा जो चादर दिख रही है हमारा डोगरी है, थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है डोगरी हमारा। हेलो मम्मी, अरे मम्मी हेलो तो कर दो मम्मी। हेलो, नमस्ते मम्मी जी सबसे पहले। नमस्ते। तो क्या करें मम्मी आप? लकड़ी ढूंढ रही हूँ। लकड़ी को ढूंढना पड़ रहा है आपको? ब्रेकफास्ट तैयार है आपका? तैयार है। सी क्या बना रहे हो बच्चों? बहुत बना रहे हो। यहाँ देखो मेरा भाई बना रहा है लस्सी। तो कंडे में मशीन होता नहीं है तो हमारे को केन में बना पड़ता है। जो मटका होता है वो नहीं है, टूट गया है, तो इसलिए हम केन में बना रहे हैं। ये हमारा जुगाड़ है, हमारा क्या, हाँ मेरी मम्मी का जुगाड़ है ये, तो ये बना रहा है। और ये राना आके थक गया और वहाँ पर रेडियो में लगे हैं गाने। और ये मेरा डॉगी सोया हुआ है, मस्त सोया हुआ ये। और मेरी गाय वगैरह देखो यहाँ पे, मम्मी ने बाहर निकाल के रखा है, तो आज ये दोनों चल पड़ेंगे हमारे साथ घर। और ये देखो डोगरी नहीं है, ये है जिन भैया की बात कर रही थी मैं पहले खेत के बारे में, खंगी वाले भैया जी एक, उनका डोगरी है ये, हमारे पड़ोसी है ये, बिल्कुल साथ साथ वाले पड़ोसी है। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ये जो डोगरी है मेरे, बहुत पुराना डोगरी है, इसको तो कम से कम हो रहे होंगे 25 से 30 साल कम से कम हो रहे होंगे, से भी ज़्यादा भी हो सकता है, 25-30 साल नहीं, ये हो रहा होगा मेरे पापा की डेथ, 25-30 साल नहीं दोस्तों मैं गलत बोल रही हूँ, इस डोगरी को कम से कम 70-80 साल हो रहे हैं शायद, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कब बना था क्योंकि हम तो थे ही नहीं जब ये बना था, तो मेरा ही साल बना हो रहा है, तो 30+ तो मेरा ही ये साल हो रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ही पुराना होगा। 30 साल से तो मैं जानती ही हूँ, उससे पहले भी बहुत पुराना है ये, हो सकता है ये 60-80-90 साल भी हो रहे हो सकते हैं इस डोगरी को। तो ये मेरे ताऊ जी बगरों के टाइम से भी पहले का, मेरे दादा दादी के टाइम का है, तो सोचो कितना पुराना होगा डोगरी है ये। पहले हमारा और हमारे ताऊ जी बगरे दोनों का एक ही डोगरी होता था, तो उसके बाद ये यहाँ पे अभी मेरे ताऊ जी बरू के पास, मेरे बड़े भैया बरू के पास है, ताऊ जी अब नहीं है, तो मेरे बड़े भैया बरू के पास है, ये ताऊ जी की बेटी के पास है ये वाला डोगरी। और उन्होंने बहुत, तो अब ये बहुत पुराना हो गया था, तो उन्होंने अपने लिए यहाँ पे बनाया है नया डोगरी। वो देखो सामने बड़ा सुंदर सा डोगरी बनाया है उन्होंने अपने लिए, पापा जी ने बनाया था ये। इसको कम टाइम हो रहा है, इसको 35 साल हो रहे होंगे, इसको 35 से 40 साल ही हो रहे होंगे जब मेरे पापा जी ने बनाया था, जब मेरे पापा जी अलग हुए थे तब बनाया था ये। और इसी साथ में खुड़ है हमारा साथ में ये, तो हमने ऐसी ये रिपेयर हमने 2-3 साल पहले किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये खेत है मेरे, ये मेरा खेत है ये देखो, ये जो डंडा से इधर साइड है ये हमारा खेत है, वो नीचे जो पेड़ दिख रहा है वो वाला खेत तक, उसके बाद किसी औरों का खेत है। और यहाँ देखो, और इस साइड वाला है मेरे ताऊ जी बरू का, ताऊ जी के बेटे का खेत, बड़े भैया बरू का खेत ये सारा। और यहाँ से लोकेशन देखो कितना सुंदर दिखता है ये देखो, यहाँ पे जगह को बोलते हैं तले, ये देखो कितना सुंदर है। और पार जंगल, कितना सुंदर जंगल दिख रहा है यहाँ देखो। और मैं ऊपर एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, ये देखो बड़ा पत्थर है, खड़ा पत्थर है ऊपर, ये देखो खड़ा पत्थर है, ये बहुत ही बड़ा पत्थर है, खड़ा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है ये, और ये बहुत ही बड़ा है, तो लोग यहाँ पे झंडा प्रेम भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं कुछ कुछ यहाँ पे। और ये देखो लोकेशन सारा ये मेरे देवी की साइड का, ये जंगल है, साइड के जंगल है ये सारे, देखो कितना सुंदर वाला लोकेशन है यहाँ पे।
जा रही हूँ आप लोगों को डोगरी के अंदर। ये डोगरी के अंदर ऐसा है मेरा डोगरी कंडे में, ये देखो। और यहाँ पे चूल्हा लगा है। मम्मी मम्मी क्या बना रहे, चाय पिला रहे आप? और ये देखो हमारा कंडे वाला डोगरी ऐसा है, ऐसा दिखता है अंदर से। बिल यहाँ पे नाली पाई वगैरह भी कुछ नहीं करके रखा है हमने, ऐसे ही रखा है क्योंकि गर्मियों को ही आते तो इतनी दिक्कत नहीं है, गर्मियों को तो ठंडा नहीं होता है। ये देखो मम्मी बना रही टेस्टी टेस्टी चाय, है ना मम्मा? क्या बना रहे आप, चाय? चाय बना के दीदी लगा रही हूँ। अच्छा लगा रहे हो, मम्मी को लग रहा है हम लोग। हाँ उधर थोड़ी में घास भी है, वो भी दिखाओ। घास भी दिखाओ। अच्छा देख राना बोलता है घास भी दिखाओ। तो हम पीते हैं चाय, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं है ना, फिर खाना खाते जाओ सब्जी। सीधे खाना खिलाना है मम्मी ने, ब्रेकफास्ट नहीं खिलाना है। इतना सुबह खाना कौन खाता है? मैं से तो खाया भी नहीं जाएगा, मैं तो 3-4 बजे खाना खाती हूँ दिन के। तो कोई बात नहीं, चलो खाना ही खाएंगे, खाना ही खाएंगे। ब्रेकफास्ट सोच के अब ऐसे करना पड़ेगा। तो पहले चाय पी लेते हैं हम लोग, ठीक है? तब मिलते हैं हम लोग को से थोड़ी देर में। और रोटी के साथ चाय, देखो अब सुंदर। हम करते हैं अपना टेस्टी टेस्टी। तो फ्रेंड्स मम्मी ने बनाया है सब्जी भी, मुझे नहीं पता था पहले सब्जी बनाया, तो ये मम्मी ने सब्जी और रोटी सब्जी बनाई, इतना टेस्टी बनाया ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया, बहुत यम्मी यम्मी सा है, बहुत मज़ा आ रहा है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ अंदर सभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मम्मी तो उन्हें तो चावल दाल सब बना के रखा है, तो हमने बोला हम सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करेंगे अभी। चावल दाल हम नीचे लेके जाएंगे खेत में, जहाँ भी अब काम करने जाना है हमने, तो वहाँ पे हम दिन को खाएंगे। क्या हुआ? इसमें ले जाएंगे क्या दाल? दाल ले जाने को नहीं है कुछ भी? चावल कुकर चक्के जाएंगे। चावल तो कुकर ही लेके जाएंगे, आप दोनों को निकाल के रखो। तो मेरी मम्मी निकाल रही है मक्खन, अभी मम्मी बन निकाल रहे मक्खन, तो हमारे को मक्खन खिलाएंगे मम्मी आज, साथ में हम लस्सी भी पियेंगे। मैं दिखाती हूँ मम्मी कैसे निकाल। तो मम्मी निकाल रहे हैं मक्खन। मम्मी क्या कर रहे हैं आप? मक्खन निकाल रही हूँ। बना हुआ है यहाँ देखो, यहाँ देखो देखा। मम्मी अभी केन में लगा मक्खन क्यों बना रहे हैं? गड्ढा होता था ना, गड्ढा टूट के दिया, फिर केन में बना रही हूँ। ये आइडिया आपको किसने दिया? अपना अकल से। आपके अकल से? आपको कैसे पता चला कि केन में भी बना सकते हैं? ऐसा ऐसा हिलाया तेरी का तो बनी गई ना, गड्ढे में भी तो ऐसे ही से हिलाते हैं। अच्छा आपने आइडिया लगाया, जुगाड़ की लगाया ना? जुगाड़ किया भी। अच्छा अच्छा अब तुम्हें कंडे में तो इसी में बनाते हो। गड्ढा अच्छा है कि अच्छा है, केन अच्छा है? गड्ढा मक्खन का बढ़िया बनता है, गड्ढा ही अच्छा होता है। अच्छा ये तो ऐसी जुगाड़ वाली बात है ना, मतलब कि कुछ नहीं है तो काम चलाओ, काम चलाने को। अच्छा बन गया मक्खन, अच्छा निकला आज। देखो मक्खन, और मक्खन को ऐसे ऐसे अच्छे से मार रहे ताकि इसमें से लस्सी निकल जाए और वो कड़वा ना हो, क्योंकि मक्खन में लस्सी रहने से और पानी रहने से कड़वा हो जाता है। वैसे तो ये यूज़ हो जाएगा क्योंकि थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, तो खा के ख़त्म हो जाएगा। अगर लॉन्ग टाइम लंबे समय तक अगर इसको क्या रखना होगा, लंबे समय तक रखना होगा तो, हाँ लंबे समय तक इसको अगर रखना होगा तो कड़वा हो जाता, तो कड़वा हो जाता है, तो इसलिए अच्छे से पानी निकालना पड़ता है। तो घी बनाने के लिए भी सहूलियत रहता है, अगर पानी और लस्सी इसमें रहेगा तो घी जब उबलता है उबालते समय दिक्कत करता है, तो बहुत उबालना पड़ता है उसको, तो अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा तो घी बनाने में भी सहूलियत रहता है, अच्छा रहता है। पर ये वाला तो खा के ख़त्म हो जाएगा ना मम्मी, ये तो हाँ ये तो खा के ख़त्म हो जाएगा, फिर भी मम्मी अच्छे से पानी निकाल के रख रहे हैं इसमें से। तो अब हमने को जाना है नीचे, तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ सीधे नीचे वाले बगीचा तो नहीं है, खेती है, छोटे छोटे पौधे हैं, तो वहाँ जाके क्या करना है बताती हूँ मैं। तो लस्सी बन गया है, तो सबसे पहले हम लस्सी से पूजा करते हैं चूल्हे में, मम्मी पूजा कर रहे हैं देखो, उसके बाद फिर हम पीने के लिए यूज़ करेंगे। तो
तो जब भी लस्सी बनता है तो सबसे पहले पूजा किया जाता है, चूल्हे की पूजा होती है देखो। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो इसके बाद वाले ब्लॉग में आएगा दोस्तों, तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।